नमस्ते सभी को। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का योग व स्वास्थ्य के इस प्रतिदिन के लाइव कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप सभी दर्शकों को छोटी दीपावली की, नरक चतुर्दशी की, दीपावली के पंच दिवसीय पर्वों में आज दूसरे दिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। यह पर्व हम सबके लिए, आप सबके लिए मंगल कामना और स्वास्थ्य को, आरोग्य को, धन संपदा को लाने वाला हो। आप सबके लिए यह दीपावली मंगल कामना वाला हो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज का हमारा कार्यक्रम अत्यंत ही विशेष है। दीपावली के पांचों दिन हमारा कार्यक्रम अत्यंत विशेष होगा। कल हमने धन्वंतरी जयंती का यज्ञ किया था। आज हम पेट की 50 समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और एसिडिटी, जो भयंकर एसिडिटी, सीवियर एसिडिटी हो जाती है, उन सब एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को भी दूर करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए अग्नि सार क्रिया को सीखेंगे। अग्नि सार क्रिया को करेंगे। हठ योग की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया जिसका नाम अग्नि सार है। वात सारम, वारि सारम, वह्नि सारम, बहिष्पितम, ये चार प्रकार के सार, चार प्रकार की क्रियाएं हैं। इनको धौती कहते हैं। तो वारी सारम, पहली प्रकार की जो धोती है वो वारी यानी जल से होती है। वात सारम, सबसे पहली जो वायु से होती है, उसमें कुछ भी नहीं किया जाता, केवल वायु से। दूसरी वारी सारम जल से होती है। तीसरी अग्नि सारम की बात कर रहे हैं और चौथी बहिष्कृत। तो हठयोग की कई क्रियाएं हैं। जैसे सबसे पहले आपको अपने शौच आदि से निवृत्त होना है। मैं आपको अभी अग्निसार सिखा भी रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ, इसके लाभ भी बताएंगे। मासिक धर्म में जो महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां हैं, उनको इस क्रिया का अभ्यास उन दिनों में नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो लोग पेट की सर्जरी जिनकी हुई है अभी हाल में, उन लोगों को इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सावधानियों का। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। प्रयास करिएगा कि हम शौच आदि से निवृत्त होकर, यानी कि फ्रेश होकर के फिर इस क्रिया को करेंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से होगी। और ज्यादा अच्छे ढंग से इसकी प्रैक्टिस होने के कारण से यह हम सबके लिए विशेष लाभकारी भी होगी। पेट की मसल्स को मजबूत बनाएगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त है। पहले दिन होती नहीं है, लेकिन आपको सिखाएंगे, धीरे धीरे आपसे होने लगेगी। तो स्वामी जी, उसके सभी दर्शकों को मैंने अग्निसार की जो है जानकारी दी है। लेकिन अग्निसार करने के लाभ क्या क्या है? पेट की 50 समस्याएं, चाहे वो गैस, कब्ज, एसिडिटी, अम्लपित्त आदि, जितने भी अपच, अजीर्ण आदि समस्याएं होती है, वे सारी ही दूर होती हैं अग्निसार के नियमित रूप से अभ्यास करने से। अग्निसार का अभ्यास करने से पेट की अग्नि प्रदीप्त होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। और आप सभी जानते हो चयापचय दर, यानी कि मेटाबॉलिज्म अच्छा होना बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि आपका पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। आपको जिसको वजन घटाना है उसका वजन घटाने में लाभकारी है, जिसको वजन बढ़ाना है उसके वजन बढ़ाने में लाभकारी, जिसको ज्यादा भूख लगती है, जिसको कम भूख लगती है, इन दोनों के लिए ही बहुत अच्छा लाभकारी है। ये आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अग्निसार करते 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 हमारा पेट इतना बढ़िया हो जाता है कि पूरी तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति का जैसा डाइजेशन सिस्टम होता है ना, वैसा हो जाता है। अब हम अग्निसार क्रिया को देखते हैं। पहले शौच आदि से निवृत्त होकर के आप 15-20-25 मिनट पहले पानी पी लिया कीजिए। ऐसे नहीं कि आप तुरंत ही पानी पी करके फिर कर रहे, नहीं करना, वो अलग क्रिया है। पानी पी करके करने वाली या एनस से पानी चढ़ा करके फिर अग्निसार या नौली क्रिया करने की, वो अलग क्रिया है। लेकिन ये आज हम अग्निसार कर रहे हैं, ये पेट की अग्नि को बढ़ाएगी। चलिए देखते हैं, अग्निसार करने के लिए पेट की तरफ चलते हैं। हम अपने पेट की तरफ चल के आपको कैमरा पेट की ओर करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले अपने पेट को कैसे खाली करते हैं, श्वास को पहले थोड़ा भरते हैं, फिर पूरी तरह से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, बचे हुए श्वास को झटके के साथ बाहर फेंक देते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं। श्वास बाहर ही रुका रहेगा,
तब तक रुका रहेगा जब तक पेट को हम खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, यानी कि अग्निसार क्रिया जब तक हमारी चलती रहेगी तब तक हमारा पेट अंदर खींचा हुआ यानी कि श्वास बाहर रुका हुआ रहेगा। श्वास पूरा बाहर छोड़ करके रोक कर रखें, बाह्य कुंभक के साथ होता है। एक बार अग्निसार क्रिया को हमने किया, थक गए, श्वास भर लीजिए। श्वास भरते छोड़ते भरते छोड़ते अभी हम कई बार करेंगे, आपको इसकी टेक्निक बताएंगे कैसे पेट की मांसपेशियों को सबल बनाया जाता है, कैसे पेट की मांसपेशियां मजबूत बनती है, कैसे आपका जो पुअर डाइजेशन है वो इंप्रूव होता है, गुड बेस्ट बन जाता है डाइजेशन। आप कुछ भी अच्छी भारी चीज खा करके पचा सकते हैं, जो कम समय में पचा सकते हैं, आपको गैस एसिडिटी नहीं होगी। और ये एसिडिटी की समस्या अगर किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रही है, आपको सबको निवेदन कर दूं कि आप लोग जो काफी सारे ऐसे मेरे को लोग मिलते हैं कि वो प्रातःकाल खाली पेट क्या करते हैं, एसिडिटी का कैप्सूल लेते हैं। उनको पूछो तो बोले हाँ गैस का कैप्सूल लेते हैं, उससे ही हम ठीक। एसिडिटी का गैस का कैप्सूल लेकर के कितने दिन चला लेंगे, क्योंकि ये शरीर को बिगाड़ेगा, अन्य अंगों पर जो दुष्परिणाम होंगे उनके लिए फिर आपको दूसरी दवाइयां लेनी पड़ेगी, फिर इस दवाइयों के कुछ चक्र से आप बच भी नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रातःकाल उठ करके नॉर्मल वाटर पीजिए और थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद आप शौच, जैसे शौचालय से निवृत्त हो जाए फिर 15-1 मिनट बाद आप अग्निसार क्रिया को नियमित रूप से 10-10 बार तक करिए। चलिए फिर से देखते हैं इसको। श्वास थोड़ा सा भरेंगे और पूरे श्वास को वेग पूर्वक शरीर से नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर छोड़ देंगे। दस पंद्रह बार कर लीजिए, इतनी देर में आप थक जाएंगे, फिर इसको छोड़कर ढीला, फिर श्वास भर लीजिए, फिर दूसरी बार फिर श्वास बाहर फेंकिए। और जूम करके बता देते हैं, पहले तो आप इसको पेट को खाली कर लीजिए पूरे श्वास को बाहर फेंक करके और फिर अंदर खींचिए। फिर इसको ढीला छोड़िए, फिर खींचिए, फिर ढीला छोड़िए, फिर खींचिए, फिर ढीला छोड़िए, ऐसे ऐसे बार बार अभ्यास करते करते आपकी जो पेट की त्वचा है ना वो मोटी से पतली होने लगेगी, बिल्कुल पतली हो जाएगी। फिर पतली होने के बाद आप इसको पेट को इस प्रकार से चला सकेंगे, ऐसे श्वास भर के फिर से नॉर्मल हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। थक गए,
विश्राम, लंबी लंबी श्वासें। अग्निसार की क्रिया को आज हम सीख रहे हैं, आज आपको सिखा रहे हैं। पेट की 50 समस्याओं, कोई सी भी समस्या, कोई सी भी, भूख ज्यादा लग रही हो कि कम लग रही हो, पेट का सिर्फ में भोजन पच नहीं रहा, कल हम प्रयास करेंगे आपको नौली क्रिया सिखाने का, क्योंकि नौली क्रिया कई दिनों के अग्निसार के अभ्यास के बाद ही सीखी जा सकती है, एकदम से नहीं आती है। नौली क्रिया में पेट इसी प्रकार से अंदर चला जाता है, फिर इधर उधर दाएं बाएं घूमता है, फिर बाएं दाएं बाएं दाएं ऐसे घूमता है। अग्निसार क्रिया के बाद उसको भी किया जाता है, उससे भी पेट की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल होती हैं और पेट अच्छा सुंदर दिखने लगता है। फिर से देख रहे हैं अग्निसार के अभ्यास को, पुनः देखते हैं अग्निसार का अभ्यास आज फिर से देख रहे हैं। इसके लाभ अभी और जानेंगे आपके सामने और रखेंगे इसके फायदों को, इसको और जूम कर लेते हैं। सभी दर्शक लगभग आजकल मोबाइल में ही टीवी, इस ऑनलाइन टीवी को देखा जाता है, तो आपको तितली जूम करके दिखा रहे हैं। श्वास देखो, पेट कैसा होना चाहिए, वक्षस्थल से लगभग आधा इंच अंदर होना चाहिए, ये वक्षस्थल इससे लगभग लगभग आधा इंच अंदर है। पेट पकड़े अगर तो ऐसे ही पकड़ में आ जाए, बिना श्वास बाहर छोड़े ऐसे पकड़ में आ जाए। क्या ऐसा है क्या? नहीं है तो बन जाएगा, कपाल भाती करना चाहिए। और फिर अग्निसार का अभ्यास, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार का अभ्यास करना चाहिए। अग्निसार क्रिया का ही आज का हमारा एपिसोड है, आज का हमारा लाइव कार्यक्रम है। किसी दर्शक को यदि कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। श्वास पूरा बाहर छोड़ करके पेट अंदर खींच ले, फिर श्वास सामान्य ही बाहर ही रखना है। श्वास को आपको बार बार भरना और छोड़ना नहीं है, आप श्वास बाहर ही रखें, बाह्य कुंभक लगा के रखें, यानी बाहर रोक कर रखें। श्वास बाहर रुका रहेगा और पेट को अंदर और बाहर करते रहेंगे, ये इसकी विधि है, बिल्कुल सरल है। फिर जब थक जाए 5-10 बार 20 बार करके, और फिर आप श्वास को गहरा भर लीजिए। फिर से देखने चलिए, 3 बार फिर करते हैं। एक बार श्वास पूरा भर के रिलैक्स हो गए, दूसरी बार फिर कर रहे हैं। फिर से श्वास बाहर, ये दूसरी बार श्वास पूरा भर के फिर से रिलैक्स हो जाए, थोड़ा आराम, फिर श्वास फिर से पूरा थोड़ा सा भर के और पूरा ही बाहर फेंक दे। इस प्रकार से अग्निसार की क्रिया को विधि पूर्वक करने से हम सब अपने पेट की लगभग सारी समस्याओं को कुछ ही दिनों में कम करके और समाप्त ही कर सकते हैं। तो पेट की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पाचन तंत्र अच्छा सक्रिय रहेगा और सब कुछ पच जाएगा, सब कुछ हजम हो जाएगा। गैस, एसिडिटी की, घबराहट की, डकारों की, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, पेट में दर्द की भी नहीं रहेगी। आप बता दो, अगर अग्निसार को आपने विधि पूर्वक कर लिया तो पेट में दर्द की कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, क्योंकि पेट आपका पूरा खाली है। रोज आप पेट की मांसपेशियों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। खाली पेट केला, खाली पेट आम को नहीं खाना, खरबूजे के साथ दूध को नहीं पीना, दूध के साथ नमक को नहीं खाना, दूध के साथ प्याज वाली चीज मत खाना, ये विरुद्ध आहार को आप पालन कर लो। विरुद्ध आहार के नियमों को ध्यान में रख करके आहारचर्या का पालन करिए और हितकारी संयोग जो जो साथ में लेने चाहिए चीजें उनका भी ध्यान रखिए, तो आपको पेट में दर्द नहीं होगा। पेट में दर्द के कई सारे कारण होते हैं। आजकल लोग ब्रेड प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं,
मैदा जाकर के आंतों में चिपक जाता है, चिपक जाता है तो फिर क्या होता है, पेट दर्द होता है, अपना काम करेगा मैदा और आंतों में सड़न पैदा करेगा और सड़ांध पैदा होती है तो गैस, कब्ज और पेट में दर्द होना स्वाभाविक बात है, वायु का बनना स्वाभाविक बात है। एक बार और देख लेते हैं, अग्निसार क्रिया करने से पेट की शुद्धि हो जाती है। अग्निसार के अलावा एक शंख प्रक्षालन नाम की क्रिया होती है, उससे पूरा ही शरीर की शुद्धि हो जाती है, क्योंकि पेट अच्छा क्लीन हो जाता है उससे, तो फिर पूरा शरीर धीरे धीरे हमारा रोग मुक्त होने लगता है। फिर से एक बार और देख लेते हैं अग्निसार क्रिया को, तीन बार हमने सीखा, एक बार चौथी बार और देख लेते हैं, क्योंकि अभी केवल अग्निसार पर ही आज हमारा कार्यक्रम केंद्रित है, तो इसको और एक बार आप देख लीजिए। देखिए इसको शौच क्रिया के बाद हम इसको करते हैं, जब हम फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद हमें करना चाहिए। अगर शाम को आप कर रहे हैं तो भोजन क्यों किए हुए आपको 4 से 5 घंटे हो चुके हो तभी कर सकते हैं। हाथों को यहां रख करके पेट को पहले श्वास पहले थोड़ा सा भरते हैं, पूरा नहीं भरना, थोड़ा सा भरना है हल्का सा, और हल्का सा श्वास भरने के बाद थोड़ा और आपको बढ़ा करके इसको जूम करके दिखा रहे, श्वास को पूरा आपको बाहर छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा भरना और पूरे श्वास को बाहर छोड़ देना ऐसे। श्वास पूरा भर के रिलैक्स, फिर से श्वास पूरा बाहर और फिर अग्निसार क्रिया को कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस अग्निसार क्रिया को हम करके अपने हाजमे को दुरुस्त रख सकते हैं, अपने पाचन तंत्र को सक्रिय बना सकते हैं और अपना डाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तीनों ही वाक्यों का एक ही अर्थ हुआ, कहने का मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये 3 प्रकार के बैलेंसेस होते हैं शरीर में, तो इनको अपने को ध्यान रखना चाहिए कि ये अपने को पेट को खराब नहीं करना। पेट खराब होगा तो पूरा जीवन, पूरा शरीर ही खराब हो जाएगा, इसीलिए अपने को पेट को स्वस्थ रखना है। और पेट को स्वस्थ रखने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर जो मुझे लगा वह तरीका है, अग्निसार क्रिया को नियमित रूप से 10 बार करने का, तो पेट हमारा अच्छा रहेगा। और 10 बार अगर अग्निसार क्रिया करेंगे तो मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको खाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, भारी पदार्थों को नहीं खाना, हैवी हैवी फूड खाएंगे, पचने में जो भारी है उन भोजनों को करेंगे तो फिर अग्निसार भी इतना लाभ नहीं होगा उससे। तो आपको पहले अपने शरीर में से रोगों को निकालना है, उसके बाद स्ट्रांग बनना है धीरे धीरे। रोग कैसे निकलेंगे, इन क्रियाओं को रोज करिए। एसिडिटी नाम का रोग शरीर छोड़ करके भाग जाता, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। दूसरा आपको एक और उपाय इसमें बता रहे, वो क्या कि उदर का स्नान करें, पेट पर आपको पानी डाल करके ऐसे पेट का स्नान कराना चाहिए। ऐसे हाथ रखिए और ठंडे पानी को ऐसे डालिए तो पेट का जो इकोसिस्टम है, पेट की जो गर्मी है वो समन्वित होती है, कोऑर्डिनेट होती है और बैलेंस होती है। तो वो पेट की गर्मी के लिए आपको पेट का स्नान कराना चाहिए, ऐसे रखिए। फिर पेटू भाग का करना चाहिए, नाभि के नीचे का इतना भाग है इस पेटू भाग को, इस पर भी स्नान कराना चाहिए। रीढ़ की हड्डी पर स्नान कराना चाहिए। 10 से 15 मग्गे भर करके आप बार बार पेट पर ऐसे धार बना के यूं डालें और ये धार इस हाथ पर जाएगी, इस हाथ से इस पानी की मसाज करें। पानी की मसाज करने से आपका पेट बहुत अच्छा ठंडक वाला हो जाएगा। अग्निसार से गर्म हुआ और पानी की मसाज से या पानी की मालिश से या फिर पानी की धार से, जल पानी से स्नान करना, उदर स्नान आपको, तो आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा। आज के इस छोटी दीपावली के कार्यक्रम को, जो कि 3 नवंबर 2021 को है, आप यहीं पर विराम देता हूं। आप अग्निसार क्रिया करें, अपने
पाचन तंत्र को अच्छा बनाए। बहुत मीठा खाने से भी पाचन तंत्र खराब हो जाता है, बहुत तले हुए इकट्ठे पदार्थ एक साथ तले हुए पदार्थ और मीठा खाने से भी पाचन तंत्र खराब हो जाता है। अतः आप इस बात का ध्यान रखिएगा, दीपावली है, 1.5 साल बाद फिर से नई उल्लास नया नई उमंग के साथ फिर से बाजार आपको दिख रहे हैं भरे हुए अजमेर के। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा मिठाई मत खा लेना। बहुत ज्यादा मिठाई खा लेंगे, 1-2 पीस तक 4 पीस तक चलता है, लेकिन ज्यादा मिठाई खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र बिगड़ भी जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा मिठाई खाने से आलस्य आता है, ज्यादा मिठाई खाने से शुगर कंटेंट शरीर में ज्यादा होता है, तो उसको पाचन करने के लिए बहुत समय लगता है। और उसके अतिरिक्त शरीर में जब शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है तो डायबिटीज की भी एक संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में जो शुगर की लेवल होती है वो इतना आसानी से वापस मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि आजकल अपन जो शक्कर खा रहे हैं ना वो बहुत खराब वाली खा रहे हैं, सफेद चीनी खा रहे हैं, वो सफेद चीनी खाने योग्य नहीं है। आप सफेद चीनी अगर खाएं तो फिर बिना किसी सल्फर के होनी चाहिए, सल्फर से शुद्ध की जाती है, वो सल्फर बड़ा खतरनाक और घातक रसायन होता है, घातक रसायन यानी हार्मफुल केमिकल होता है, जिसको जमीन में भी डालने तो जमीन भी बंजर हो जाए। वो उससे शुद्ध की हुई, उससे बनाई, उससे प्रोसेस की हुई ये शक्कर बाजार में जो आती है सफेद सफेद चीनी जिसको कहते हैं, ये आप खाएंगे तो आपका पेट सदा खराब ही रहेगा, आपको डायबिटीज नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इस सफेद चीनी को मत खाइए। आपको खानी है तो खांड लीजिए, और खांड के अलावा उसके अलावा भी बिना सल्फर से शुद्ध की हुई एक शर्करा आती है, पतंजलि के केंद्रों पर मिल जाती है, सफेद रंग की दिखती है, वो भी शुगर शुगर के छोटे 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 पीसेस होते हैं, वो भी चीनी की तरह दिखती है लेकिन वो चीनी होती नहीं है, वो मीठा खांड का एक सफेद एक शुद्ध अच्छा बढ़िया विकल्प है, स्वच्छ विकल्प है, स्वस्थ विकल्प है, उसको आप लीजिए या फिर खांड का प्रयोग कीजिए। तो कोशिश करिए केमिकल वाली सारी चीजों को अपने जीवन से हटाने की, तो शक्कर हमारे शरीर में उस प्रकार के केमिकलों को बढ़ा देती है जो चीनी आप बाजार से लाते हैं, वह जो हमारे कैल्शियम नाम के जो तत्व है शरीर में जिस जो हड्डियों को मजबूत रखता है उसको मूत्र के जरिए लेकर के बाहर निकल जाती है। तो ये चीनी बड़ी घातक है। तो पेट को अच्छा रखने से पहले आप आहारचर्या का भी ध्यान रखें कि पेट किन किन चीजों से बिगड़ता है, तो उन चीजों को बंद कर दो, अपने आप पेट ठीक हो जाएगा। तो और उसके अलावा अग्निशाल क्रिया को प्रतिदिन, आप इसकी मात्रा को ये ना समझे कि मेरे को ज्यादा बड़ी समस्या है, पुरानी समस्या है पेट की तो कैसे ठीक होगी, आप करिए तो सही 15-15 बार करिए, आपको 5-7, 2-4 बार से असर नहीं होता तो 15 बार करिए, 20 बार करिए, फिर थोड़ा रिलैक्स होकर के फिर 5-7-10 बार कर लीजिए, तो 30 बार तक इस अग्निशाल को प्रतिदिन किया जा सकता है, 30 बार तक। बहुत कमजोर लोग हैं वो 10 बार कर, बच्चे हैं मान लीजिए 15 साल से कम के तो वो भी 15-20 बार कर सकते हैं, और बाकी जो बड़े हैं 18 साल के ऊपर हैं जिनको पेट की कई समस्या है वो 30 times up to 30 times यानी 30 बार तक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 10 बार तो सबको करनी है। 10 बार अगर अग्निशाल करेंगे तो पेट की मांसपेशियां इतनी अच्छी हो जाएंगी कि यूं चलने लगेगा, पेट की त्वचा यूं चलने लगेगी, और पेट की त्वचा पतली हो जाएगी, पेट की मांसपेशियां सबल हो जाएंगी, पेनक्रियास की, स्प्लीन की, छोटी आंत की, बड़ी आंत की, और भी कई छोटे छोटे कई सारे अंग होते हैं, उन सब की एक्सरसाइज होगी, और जब जहां एक्सरसाइज होती है वहां गति होती है, और जहां गति होती है वहां सक्रियता होती है, और वो सक्रिय व्यक्ति स्वस्थ रहता है, इसी प्रकार से सक्रिय अंग भी हमारे स्वस्थ काम करेंगे। तो आप सबका पेट, हम सबका पेट अग्निशाल आदि क्रियाओं के कारण से अच्छा हो जाएगा, सब चीजें हजम होगी, आप सब चीजें खा भी सकते हैं फिर बाद में, लेकिन प्रयास कीजिए जब तक अग्निशाल आपको अच्छे ढंग से ना आ जाए तो बेकरी प्रोडक्ट और ब्रेड प्रोडक्ट और ये जो जंक फूड फास्ट फूड है इनका सर्वथा त्याग करके रखें, और उसके बाद जब आ जाए आपको समझ में और तो रोज कर रहे हैं प्रैक्टिस, फिर इसकी इच्छा ही नहीं होगी, ऐसी खराब चीजों की इच्छा ही नहीं होगी। फिर भी कभी खाते हैं तो 2-3 महीने में एक बार कभी अगर खा लिया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको अभ्यास में मत रखिए नहीं तो ये पेट ही खराब करने वाली चीज है। तो आज के कार्यक्रम में हमने अग्निशाल को जाना, अग्निशाल की विधि जानी, अग्निशाल के लाभ जाने, इसकी टेक्निक जानी, और अग्निशाल कहाँ से है इसका उद्गम स्थान जाना। अग्निशाल है घेरंड संहिता के अंदर से, हठ योग से है, तो घेरंड संहिता महर्षि घेरंड की है। तो आज के कार्यक्रम का मैं यहीं पर विराम दे रहे, आप सभी दर्शकों के मुझे यहाँ प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं,
बहुत अच्छी बात है, आप सब बड़ी संख्या में बने हुए हैं आज के कार्यक्रम में। शांति पाठ, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से आगे भी औरों को भी भेजें, इसके लिंक को शेयर करें। कल दीपावली का पावन पर्व है 4 नवंबर 2021, जिसकी सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि दीपावली आने वाली है, तो कल वह शुभ अवसर है। तो आप सबको अग्रिम रूप से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और इस बात को भी बता रहा हूँ कि कल हमारा कार्यक्रम जो है वो अति विशेष होगा, बहुत विशेष कार्यक्रम कल होने वाला है। इसीलिए कल के कार्यक्रम को आप अवश्य देखें फेसबुक पर प्रातःकाल। कल का कार्यक्रम हमारा प्रातःकाल होगा 7:30 बजे, 7:30 पर प्रारंभ हो जाएगा कल का कार्यक्रम, और आज वाला जो कार्यक्रम है वो कल यूट्यूब पर भी 7:00 बजे चल रहा होगा। तो इतनी बातों के साथ पुनः छोटी दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। ओम शम, धन्यवाद, नमस्ते।